नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भगवानपुर में जन आशीर्वाद रैली का हुआ जोरदार स्वागत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। तो वहीं रुड़की में भाजपा ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिया चुनावी मंत्र। उत्तराखंड में कांग्रेस ने की विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू। मंगलौर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत, नेताओं ने लोगों से की 2022 में कांग्रेस को वोट देने की अपील। आम आदमी पार्टी के रोड शो में तिरंगे के अपमान का मामला, हिंदू वाहिनी महासभा ने सिटी मजिस्ट्रेट से की शिकायत, जांच के आदेश जारी। झाड़ू के साथ तिरंगे के लिपटे होने की कई तस्वीरें आई थी सामने। उत्तराखंड दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत, मझोला में लोगों ने किया उनका जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर किसान यूनियन कार्यालय का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के धराली पंती में बादल फटने से तबाही, लोगों ने घरों से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान, राहत कार्यों में जुटा स्थानीय प्रशासन। अब ये खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि रुड़की में भाजपा ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसके बाद वो भगवानपुर में जन आशीर्वाद रैली में भी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह स्वागत किया गया और रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही जनता को विकास कार्यों की उन्होंने जानकारी दी। तो वहीं रुड़की में ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ इस मीटिंग में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की। से आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है, जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जो उससे लगे। तो वही भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में निकल रही है और असर पंजाब में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पूरे देश में हाशिए पर है और आज उसके कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। की सरकार ने अपने हर वायदे को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, हम सभी में पूरी तरह से सफल रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि वैक्सीनेशन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दिसंबर माह तक हमें आशा और उम्मीद है कि उत्तराखंड में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। तो वहीं हरिद्वार के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा मंगलौर पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेताओं का पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और हजारों की संख्या में भीड़ में जनसभा का आयोजन किया गया। तो वहीं नेताओं ने लोगों से 2022 में कांग्रेस को वोट देने की अपील की।
रोष है और लोग स्वतः ही अपने मुंह से हरीश रावत जी के कार्यों को, कांग्रेस के कार्यों को याद करते हैं, साफ दिखता है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और रही बात कार्यक्रमों की, तो ये तो परिवर्तन यात्रा है, जगह जगह लोग स्वागत करते हैं अपने लोगों के साथ, वो तो वो स्वाभाविक सी बात है। जो व्यक्ति काम करेगा फील्ड में वो अपने लोगों के साथ यात्रा का, अपनी पार्टी की विचारधारा से जिसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो यात्रा आ रही है तो उनका स्वागत करेंगे। जनता जनार्दन की आवाज़ जो है वो खुदा की आवाज़ और परमात्मा की आवाज़ होती है। अगर जनता के दिल में हम धड़केंगे और हम हमारे कार्यशैली को पसंद करेगी तो ये आवाज़ निश्चित तौर पर हाईकमान तक भी पहुंचनी चाहिए और ये हाईकमान का फैसला है। लेकिन इस बार जहां तक मैं समझता हूं कि आप देख भी रहे होंगे, क्षेत्र का जो है, खासकर जो है मंगलौर क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, गाँव का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब मजदूर का बच्चा जिसने हल चलाया वो विधानसभा जाएगा, ये मैं निश्चित तौर पर आपसे। तो वही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लक्सर भी पहुंची, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, हालांकि जनसभा के दौरान व्यवस्थाएं खराब रहीं। परिवर्तन यात्रा में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में जितनी सरकारी नौकरी दी है उससे ज्यादा तो हमने पीएससी में लोगों को भर्ती करा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो बिजली की 100 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं और हम उससे ज्यादा बिजली फ्री देंगे। हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर लोगों पर उसका भारी वजन डाल दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे कम करने का कार्य करेगी। नदी के रूप में निकली थी, अब सैलाब के रूप में आगे बढ़ रही है और ये भाजपा और उसके कुशासन को आत्मे के बाद ही जो है रुकी। जनता, ये जनता की यात्रा है, जनता इस यात्रा में आगे आगे बढ़कर। तो वे मंत्री यशपाल आर्य, विधायक संजीव आर्य और उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने खैरना आपुण बाजार में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया और लगभग 15 करोड़ की लागत से 65 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों महिलाओं को स्वच्छता किट भी वितरित किए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के साथ ही विकास के लिए हमेशा तत्पर है और जनता ने हमेशा सहयोग दिया है और सरकार का भी आगे भी मिलेगा। कोई सरकार में जिम्मेदार पद पर आसीन होने की वजह से हम एक मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में हमें प्रदेश के बारे में हमें सुनना चाहिए। तो वे हल्द्वानी में हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है, जहां हिंदू वाहिनी महासभा ने सिटी मजिस्ट्रेट से इस अपमान की शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में रविवार को झाड़ू के साथ तिरंगे के लिपटे होने की कई तस्वीरें सामने आई थी। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक यदि तिरंगे का अपमान जांच में सही साबित हुआ तो प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में कल आम आदमी पार्टी की एक तिरंगा रैली थी, जिसी क्रम में उनके द्वारा एक यहाँ रैली निकाली गई थी, जिसमें आज प्रातः मेरे कार्यालय में एक पत्र दिया गया, शिकायती पत्र है ये, जिसमें इन्होंने तिरंगे का जो अपमान किया है उसके संदर्भ फोटोग्राफ्स लगाकर हमारे यहाँ इन्होंने इसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि तिरंगे को झाड़ू के साथ पकड़ा गया है, नीचे झुका के रखा गया है, उसको कंधे पे अंगोछे की तरह ओढ़ के रखा गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए मेरे द्वारा इसमें पुलिस को जांच के लिए लिखा गया है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वही खाद्य मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में खाद्य विभाग की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि धन क्रय के संबंध में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जाए और इसके अलावा कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए कि किसानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रचार प्रसार मंडी समिति के स्तर पर किया जाए और अभी तक 1,32,00,000 बोरों की व्यवस्था की जा चुकी है। ने जैसे धान खरीद, गेहूं खरीद किया है और बहुत सुविधा के साथ काश्तकारों का गेहूं खरीदा और समय पर पेमेंट किया है,
ऐसे ही हम चाहते हैं कि धान की खरीद भी काश्तकार की समय से हो, सुविधाजनक तरीके से हो और उसका पेमेंट भी ढंग से हो। तो इस समय हमने कहाँ कहाँ केंद्र होंगे ये चयन कर लिया है, उनमें स्टाफ की नियुक्ति कर ली है, कृषकों का पंजीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, 30 तारीख से पहले ये सब हो जाएगा, और परिवहन के ठेकेदार कौन करेंगे, हैंडलिंग और परिवहन का काम कौन करेंगे ये तय कर लिया है। अपने बोरों की व्यवस्था 1,31,32 लाख बोरा हमारा उपलब्ध हो गया है। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां मझोला में किसान नेता राकेश टिकैत का तराई के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने दूर दराज से सैकड़ों किसान पहुंचे। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय आम जन की समस्याएं सुनेगा और उस पर कार्रवाई भी करवाएगा। मैं यहाँ का किसान हूँ, ये एक ऐसा स्थान होगा कि जो यहाँ बैठ के अपनी समस्याएं लोग बता सकते होंगे और यहाँ से उनकी जो समस्या होगी अधिकारियों से बातचीत करके सरकार को चिट्ठी लिख के उसका समाधान करवाने की कोशिश करें। और दिखती रहेगी बंद चिमनी मिल कार्यालय को दिखती रहेगी तो आवाज उठती रहेगी। किसान तो बर्बाद कर दिया, इन्हें 2 फीट जंगल तोड़े और अब इनको कह रहे हैं कि तराई के किसान बहुत जमीन है, इनकी जमीन छीन लो। गौशाला की जमीन जो फैक्ट्रियों को बेच सकते होंगे, मंडियों में इंडस्ट्रीज खोल सकते होंगे, इन जमीनों पर सरकार की नज़र है, उनके जो सिर पे सलार है उनकी नज़र है। इसके लिए आंदोलन होंगे, बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है और यूथ को खास करके खबर अल्मोड़ा से है, जहां पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों से ऑडिशन कराए जाने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के कलाकार ऑडिशन के खिलाफ अल्मोड़ा में क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान कलाकारों ने सरकार और सूचना निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी कलाकारों को अपना समर्थन दिया। क्रमिक अनशन के बाद कलाकारों ने सरकार का पुतला फूंका और बाजार में जुलूस भी निकाला। सरकार को विगत 15 दिनों से पत्रजात के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से इनके प्रतिनिधियों को हमने कई बार सूचित कर दिया है और इन्होंने हमारी बात को नहीं माना है। तो ये जो सूचना महानिदेशक है वो अपनी जीत पर अड़ गए हैं। और क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं तो कुमाऊं रीजन का कोई भी दल यहाँ पर ऑडिशन नहीं देंगे, क्योंकि सूचना विभाग के द्वारा जो आगामी 21 से लेकर 25 तारीख तक कुमाऊं मंडल में जो ऑडिशन होने हैं, उस ऑडिशन के मैं सभी कलाकार बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 18 मार्च से हम लोग बेरोजगार, हम अपनी बात को रख रहे हैं, हमारी बात को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वही डोईवाला विधानसभा के कृषि निवेश केंद्र थानों में वितरित किए गए कृषि यंत्रों के मामले में किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसमें किसानों ने खराब गुणवत्ता व बिना गारंटी की महंगी मशीनें ग्रामीणों को देने का आरोप लगाया। साथ ही साथ सभी सामान वापस कर दिए और अपने पैसे वापस देने की मांग की। ब्लॉक प्रमुख दिव्या भारती ने आरोप लगाया कि कृषि यंत्र गुणवत्ता के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और शुरुआत में ही यंत्र खराब होने लगे हैं, जबकि सरकार इन्हें काफी उच्च दामों में सब्सिडी के रूप में किसानों को उपलब्ध करा रही है। खबरों की ओर, आपको बता दें कि उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने देहरादून में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समन्वय समिति ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया और सभी कर्मचारियों से एकजुट होने की अपील की है। प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की खामियां दूर करने समेत करीब 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। सब लोगों ने अलग अलग लड़ाई लड़ते हुए शासन और सरकार से बात करी, लेकिन उस पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। शासन और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके देखते हुए सभी लोग एक मंच पे आए और उन्होंने एक समन्वय समिति बनाई। उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने सभी कामन मांगे पूरे प्रदेश स्तर की 18 सूत्री मांग पत्र सरकार को सौंपा है, जिसपे एक दौर की वार्ता हमारी मुख्य सचिव से हो चुकी है और आगे भी हम प्रयासरत हैं। सरकार से हमारे चैनल खुले हुए, वार्ता की तो चल रही तैयारी। लेकिन
तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ के कार्यकाल को चोरों ने निशाना बना लिया। घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। चोरों ने कार्यालय में रखे इन्वर्टर की बैटरी तक चुरा ली, साथ ही करीब 8,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वे विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कबूतरबाजी करने वाले एक महिला सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। बता दें कि रायवाला थाना अंतर्गत 10 लोगों से विदेश भेजने के नाम पर आरोपियों ने 35,000 रुपए ठगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। तो वही हल्द्वानी पुलिस ने मंगलसूत्र लूटने के मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि पीड़ित महिला हल्द्वानी बस स्टैंड पर थी और इसी दौरान आरोपी झपट्टा मारकर मंगलसूत्र ले गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। ये 2 सितंबर की घटना है। 2 सितंबर को केमू स्टेशन पे बस में एक महिला जो है वो बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर से एक व्यक्ति ने उनकी जो है मंगलसूत्र को स्नैच किया। उसमें हमने तत्काल मुकदमा दर्ज किया 392 के अंतर्गत और उसमें जो व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई हुआ। काफ़ी कैमरेज भी हमने इसमें जो है इस्तेमाल किए हैं और उसके बाद में मुखबिर की सूचना पे हमें पता चला कि ये व्यक्ति कहाँ पर है। हमने इसको गिरफ्तार किया है। ये यहाँ टीपी नगर में रहता है और मूल निवासी ये बिजनौर का है और इसके पास से हमने वो मंगलसूत्र उन लेडी का है वो उसको बरामद किया है और जो मंगलसूत्र है उसकी कीमत अराउंड 50,000 रुपीज़ की है। तो वे अपने मालिकाना हक को लेकर दमू वाडुंगा के लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन कर आयुक्त पंकज उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और 5 साल पहले उन्होंने सरकार से मालिकाना हक देने की मांग की थी, बावजूद आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को हाउस टैक्स दे रहे हैं और उनकी जमीन के मालिकाना हक देने की दिशा में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारा नियमितीकरण होना चाहिए था, जबकि ये जेडे के अंतर्गत आ चुकी है भूमि, उसके बाद भी इसको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। 5 साल गुजरने वाले हैं। इस दिशा में उन्होंने कहा था कि हम आते ही इसको राइस करेंगे, जबकि वन भूमि भी नहीं रही है। अब क्षेत्र जेडे के तहत आ गया है और ये संक्रमित अधिकार वाली भूमि बन चुकी है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया है। भले ही कहने को तो पति पत्नी का रिश्ता सातों जन्म साथ निभाने का होता है, लेकिन इस रिश्ते को पैसों के लालच ने तार तार कर दिया और तब ये एक सोचनीय विषय बन जाता है। चंद पैसों के लालच में इस रिश्ते को एक युवती ने लुटेरी दुल्हन का रूप दे दिया, जहां कोर्ट के दखल के बाद बाजपुर पुलिस ने युवती पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि पीड़ित सुखविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से मुलाकात हुई और इसके बाद बातचीत का दौर चलता रहा और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद महिला ने मौका देखकर 4 तोला सोना और 50,000 रुपए लिए और फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने महिला की पंजाब में तलाश की, जहां महिला के पूर्व में शादीशुदा होने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ एक युवक के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी शादी नवंबर 2020 में हुई थी और 2 महीने उसके साथ रहने के बाद उसकी पत्नी घर से कुछ सोना और पैसा लेके फरार हो गई है और फिलहाल उसका उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसने पुलिस में तहरीर दी है और मुकदमा लिखा गया है। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। खबर उत्तराखंड से है, जहाँ नारायण बगड़ विकास खंड के पंती में अल सुबह बादल फटने से तबाही मच गई। अफरा तफरी में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस घटना में किसी तरह के भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। विद्युत विभाग के विद्युत पोल समेत कई बाइक्स मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखर गई। तो वहीं सड़क पर मलबा आने के चलते यातायात पूरी तरह अवरुद्ध रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्यों में जुट गया।
तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। प्रयागराज के बाघम्बरी मठ से उनकी मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता दें महंत नरेंद्र गिरी जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे अब नहीं रहे। प्रयागराज के बाघम्बरी मठ से उनकी मौत की खबर यहां पर सामने आई है। अभी तक संदिग्ध मौत की वजह नहीं हुई है साफ। मौके पर पहुंची पुलिस को महंत का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। उनके निधन से साधु संतों में फैली शोक की लहर। बड़े हनुमान जी के महंत रहे हैं नरेंद्र गिरी। ईश्वर महंत जी को श्री चरणों में दे स्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।